guys. Today we are going to discuss few questions related with people in environment. आज हम कुछ questions को discuss करेंगे जो आपके पर्यावरण से संबंधित हैं, जो national and state level के बहुत सारे competitive exams के अंदर पूछे जा चुके हैं. First question को अगर हम देखें तो first question है, which of the following is considered as major source of pollution in rivers of India? ऑप्शन नंबर ए है अनरेगुलेटेड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ऑप्शन नंबर बी अनट्रीटेड सीवेज, ऑप्शन सी एग्रीकल्चर रन ऑफ एंड ऑप्शन डी थर्मल पावर प्लांट्स. हिंदी में अगर इसको देखें तो निम्नलिखित में से किसे भारत की नदियों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत माना जाता है? पहला ऑप्शन है अनियमित लघु उद्योग, दूसरा ऑप्शन है अनुपचारित सीवेज, तीसरा ऑप्शन है कृषि रन ऑफ और चौथा ऑप्शन है थर्मल पावर प्लांट. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है. क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो चार ऑप्शन है इनमें से सबसे ज्यादा भारत या इंडिया के अंदर जो भी रिवर्स है उनका पोल्यूशन का मेजर सोर्स, क्योंकि क्वेश्चन में मेजर लिखा हुआ है. अब अगर आप चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तो चारों ही ऑप्शन इंडिया के अंदर रिवर पोल्यूशन का सोर्स है. मतलब अनरेगुलेटेड जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, जैसे पेपर इंडस्ट्री हो गया, शुगर इंडस्ट्री हो गया, इन सबसे भी जो वेस्ट डिस्कार्ड या जो वेस्ट मटेरियल निकलता है वो हमारे रिवर्स को पोल्यूट करता है. ऐसा सीवेज वाटर जैसे हमारे घरों से निकलता है, हॉस्पिटल से निकल रहा है, या आपके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से या रेसिडेंस एरिया से, यहां से जो निकल रहा है और उसको ट्रीट नहीं किया गया है, क्योंकि ऑप्शन बी में लिखा हुआ है अनट्रीटेड, तो ऐसा भी सीवेज हमारी नदियों और रिवर को पोल्यूट करता है. एग्रीकल्चर रन ऑफ की बात करें तो एग्रीकल्चर रन ऑफ में जैसे एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, ये सब यूज किया जाता है. तो जब ये बारिश की वजह से या एक्सेस में जब इरिगेशन में हम वहां पे पानी डालते हैं तो पानी के साथ बहकर वो आसपास के तालाब या नदियों या लेक्स को पल्यूट करता है, तो सी भी एक ऑप्शन है जो वाटर को पल्यूट करता है. और थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है और वहां पे पानी को यूज किया जाता है एज अ कूलेंट, तो उसके भी पानी को कई बार रिवर्स के अंदर डिस्कार्ड किया जाता है. तो चारों ही ऑप्शन है जो रिवर्स को पल्यूट करते हैं. बट अगेन अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ है कि मेजर सोर्स क्या है, तो जो मेजर सोर्स है वो है अनट्रीटेड सीवेज. तो इसका आंसर होगा बी अनट्रीटेड सीवेज, अनुपचारित सीवेज. तो सारे ऑप्शन में से जो बेटर आंसर है या बोल सकते हैं बेस्ट आंसर है जो मेजर सोर्स है वाटर पोल्यूशन का वो है अनट्रीटेड सीवेज. सेकेंड क्वेश्चन को आप देखते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर हैज नो डेफिनेट बिगनिंग एंड एंड. ऑप्शन ए अर्थक्वेक्स, ऑप्शन बी लैंडस्लाइड्स, सी हरिकेन्स एंड ऑप्शन डी ड्राउट्स. निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं की कोई निश्चित शुरुआत और अंत नहीं है? ऑप्शन पहला है भूकंप, दूसरा भूस्खलन, तीसरा तूफान और ऑप्शन चौथा है सूखा या सूखे. पहले क्वेश्चन को हम समझते हैं. क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये जो चार नेचुरल डिजास्टर्स दिए हुए हैं इनमें से किसका ना ही आप एक परफेक्ट स्टार्टिंग या बिगनिंग बता सकते हो या वो खत्म कब होगा आप इसको प्रिडिक्ट कर सकते हो. तो ऑप्शन ए को देखें तो ऑप्शन ए में है अर्थक्वेक. अर्थक्वेक है क्या? अर्थक्वेक इज सडन शेकनिंग ऑफ द अर्थ सर्फेस. जो धरती जब अचानक से हिलती है उसको हम क्या कहते हैं? भूकंप. तो भूकंप स्टार्ट कब हो रहा है इसको प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, बट खत्म होगा ही होगा. और जब आपका कंपन या जो शेकनिंग खत्म हो गया है तो आप बता सकते हैं कि उसका एंड हो चुका है. तो अर्थक्वेक इसका सही आंसर नहीं है. लैंडस्लाइड्स देखें तो लैंडस्लाइड्स हैं जब मिट्टी चट्टानों या पहाड़ों में से एक ऊंचाई से नीचे की तरफ स्लाइड डाउन करती है, जिसके अंदर कोई भी डेब्रीज, रॉक या कोई भी वेस्ट मटेरियल हो और साथ में सॉइल, मृदा का होना जरूरी है, तो उसको हम लैंडस्लाइड्स कहेंगे. तो जो लैंडस्लाइड्स है या जो भूस्खलन है जब शुरू होगा तो पता चलेगा और जब खत्म होगा तो भी वो पता चल जाएगा, तो लैंडस्लाइड्स भी इसका सही आंसर नहीं है.
सी ऑप्शन देखें तो सी ऑप्शन है तूफान, तो हम सभी जानते हैं तूफान शुरू कब होने वाला है या हरिकेन्स कब आएंगे उसको कई बार प्रेडिक्ट किया जा सकता है, और खत्म भी कब होगा उसको भी हम बता सकते हैं, तो ये भी नहीं है। तो बचा ऑप्शन डी ड्राउट, तो वैसे भी हम देखेंगे कि ड्राउट इसका सही आंसर है, बट उसका पहले एक्सप्लेनेशन समझते हैं कि ड्राउट ही इसका सही आंसर क्यों है। क्वेश्चन में पूछा है नो डेफिनेट बिगनिंग एंड एंड, मीन्स जिसका कोई निश्चित शुरुआत या अंत नहीं है। तो ड्राउट पहले है क्या, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब किसी भी जगह पे या प्लेस पे नॉर्मल लेवल से कम वाटर अवेलेबल है, या वहाँ पे नेचुरली रेनफॉल जो है वो और सालों के कंपैरिजन में किसी प्रेजेंट टाइम पे कम है, तो ऐसी सिचुएशन को ड्राउट या सूखा कहा जाता है। तो ड्राउट शुरुआत कब होगी, कब पानी कम हो रहा है, जिसको आप ड्राउट की श्रेणी में डालोगे, तो उसको डिफाइन करना या उसका आकलन करना थोड़ा मुश्किल है। और मान लीजिए एक जगह पे 100 दिनों से बारिश नहीं हो रही है, तो वहां पे आपने उसको सूखा या ड्राउट प्रोन एरिया डिक्लेयर कर दिया, घोषित कर दिया है, और 100 दिनों बाद वहां पे बारिश आनी शुरू हो गई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आज बारिश हुई है 100 दिनों बाद तो आज ही ड्राउट खत्म हो गया है। कितने दिनों बाद जाकर बारिश होने के बाद आप सूखे या ड्राउट को बोलेंगे कि अब उस एरिया से खत्म है, या अब वो प्लेस या एरिया ड्राउट प्रोन नहीं है, उसको भी डिफाइन करना मुश्किल है। तो इसलिए इसका जो बेटर और बेस्ट आंसर है दैट इज ड्राउट या सूखा। मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन को देखें तो थर्ड क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है अमंग द फॉलोइंग फ्यूल्स ऑफ एनर्जी विच इज द मोस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली। ऑप्शन नंबर ए इज इथेनॉल, बी बायोगैस, सी सीएनजी एंड डी हाइड्रोजन। ऊर्जा के निम्नलिखित ईंधन में से जो सबसे अधिक पर्यावरण के अनुकूल है, पहला ऑप्शन है इथेनॉल, दूसरा ऑप्शन है बायोगैस, तीसरा ऑप्शन है सीएनजी एंड चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन। आप इसमें मोस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली पूछा गया है, तो ज्यादातर स्टूडेंट सीएनजी को देखकर ये सोचेंगे कि इसका आंसर सीएनजी ही होना चाहिए, और वो बिना बाकी के तीन ऑप्शन पे नजर देखते हुए वो तुरंत सीएनजी को ही चूज करेंगे एज अ बेस्ट आंसर। बट इसका अभी हम देखते हैं कि इसका कौन सा सबसे बेस्ट आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है मोस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली या पर्यावरण के अनुकूल सबसे अधिक कौन सा है। तो हम चारों ऑप्शंस को देखते हैं एक एक करके। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं पहला ऑप्शन था इथेनॉल। तो जब इथेनॉल को एज अ फ्यूल यूज किया जा रहा है, तो सबसे पहले स्टूडेंट हमको ये समझना चाहिए कि किसी भी फ्यूल को यूज करें तो उसको बर्न करने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। ऑक्सीजन की एब्सेंस में कोई भी फ्यूल बर्न नहीं होगा। तो जब हम इथेनॉल को यूज कर रहे हैं एज अ फ्यूल, तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर वो कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर वेपर इसको रिलीज करेगा। तो सभी को मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये ग्रीन हाउस गैस है। तो इथेनॉल को बर्न करने से, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर रिलीज हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड एक पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है या मेजर ग्रीन हाउस गैस है, तो इसीलिए इथेनॉल इको फ्रेंडली फ्यूल या एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल नहीं है। अब अगर हम उसके अंदर दूसरे ऑप्शन को देखें, तो दूसरा ऑप्शन है बायोगैस, बी ऑप्शन है बायोगैस। अब बायोगैस किस किस से बनी होती है? बायोगैस के अंदर मीथेन गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर वेपर होता है, अमोनिया होता है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब गैसेस मिलकर बायोगैस बनाती हैं। तो अब अगर हम बायोगैस को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, या जब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगी, तो बायोगैस भी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगी। और अभी हमने समझा कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, तो बायोगैस को भी जब हम यूज कर रहे हैं तो वो एक इको फ्रेंडली फ्यूल नहीं है। रीजन, क्योंकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है जो एक ग्रीन हाउस गैस है। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी सीएनजी। तो सबसे पहले देखते हैं सीएनजी है क्या। इट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस या जो प्राकृतिक गैस है, जब उसको कंप्रेस कर दिया जाता है तो उससे सीएनजी बनता है।
जो दिल्ली एनसीआर और कई स्टेट्स के अंदर एज अ बसेस के अंदर कार्स के अंदर एज अ फ्यूल यूज किया जा रहा है पेट्रोल की जगह, तो सीएनजी जब ऑक्सीजन के साथ अगेन ये रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये नेचुरल गैस से बना हुआ है, तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करेगा। अब अगेन क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज कर रहा है, तो ये भी ग्रीन हाउस गैस है, तो ये भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल नहीं है। तभी हमने बोला कि ज्यादातर स्टूडेंट ये सोचेंगे कंप्रेस नेचुरल गैस, क्योंकि मेजॉरिटी जगह पे कार्स के अंदर या बसेस के अंदर एज अ फ्यूल यूज किया जा रहा है, और सब यही सोचते हैं कि पेट्रोल एंड डीजल के कंपैरिजन में सीएनजी एक ज्यादा क्लीनर फ्यूल है। तो अभी हमने बोला कंपैरिजन में एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल है या क्लीनर फ्यूल है, बट हमें चारों ऑप्शन में से देखना है कि मोस्ट सबसे ज्यादा इको फ्रेंडली फ्यूल कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोजन। अब अगर हम हाइड्रोजन को देखें, तो जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, तो ये केवल वाटर वेपर को रिलीज करेगा। इट विल रिलीज वाटर वेपर। इसमें से कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस या कोई दूसरी गैस रिलीज नहीं हो रही, और वाटर वेपर एक पॉल्यूटेंट नहीं है। तो चारों में से इथेनॉल, बायोगैस, सीएनजी एंड हाइड्रोजन में से जो सबसे ज्यादा इको फ्रेंडली इन चारों में से है, वो है हाइड्रोजन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, दैट इज ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज मोस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल अमंग द फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है, इंडियन गवर्नमेंट टारगेट फॉर पावर प्रोडक्शन फॉर स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट बाय द ईयर 2022 इज, ऑप्शन नंबर ए 1 गीगावाट, ऑप्शन नंबर बी 5 गीगावाट, ऑप्शन नंबर सी 10 गीगावाट, ऑप्शन नंबर डी 15 गीगावाट। वर्ष 2022 तक लघु जल विद्युत परियोजना से बिजली उत्पादन के लिए भारत सरकार का लक्ष्य है, पहला ऑप्शन 1 गीगावाट, दूसरा ऑप्शन 5 गीगावाट, तीसरा ऑप्शन 10 गीगावाट, चौथा ऑप्शन 15 गीगावाट। तो गीगावाट एनर्जी को मेजर करने की एक यूनिट है या एक इकाई है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वर्ष 2022 तक जो भारत सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत, उन्होंने कितना लक्ष्य या टारगेट रखा है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने का। तो जो 2022 या 2020 तक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से जो टारगेट रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसमें से सोलर का जो टारगेट है वो है टोटल 100, 40 गीगावाट प्लस 40, 80, 80 प्लस 20 गीगावाट, अगर हम देखें तो टोटल आता है 100 गीगावाट। तो सबसे ज्यादा जो लक्ष्य रखा गया है वो है सोलर एनर्जी सेक्टर से 100 गीगावाट। और आपने देखा भी होगा जगह जगह पे फ्लाईओवर्स पे सोलर सेल लगाए जा रहे हैं, या गवर्नमेंट भी प्रोत्साहन दे रही है लोगों को कि फ्री में ट्रेनिंग वो कोर्सेस कर सकते हैं सोलर सेल को इंस्टॉल करने के लिए। तो जो सबसे ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट ने टारगेट अचीव करने का रखा है वो है सोलर से। दूसरा जो दूसरे नंबर पे रखा हुआ है वो है विंड एनर्जी से, जिसमें विंड मिल या पवन चक्की के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। तो विंड एनर्जी में जो टारगेट रखा है वो है 60 गीगावाट। बायोमास, जैसे बायोगैस हो गया या बायोफ्यूल हो गया, उनसे बायोफ्यूल्स को या बायोगैस, इन सबको यूज करके जो टारगेट रखा गया है वो है 10 गीगावाट तीसरे नंबर पे। और जो चौथे नंबर पे रखा गया है वो है स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट, जो छोटे छोटे पानी के सोर्सेस को यूज करके, जैसे डैम्स हो गया, इन सबके थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का जो टारगेट रखा हुआ है वो है 5 गीगावाट। और जो टोटल है, टोटल हो गया 100 प्लस 60 प्लस 10 प्लस 5, तो जो टोटल है वो है 175 गीगावाट। बट क्वेश्चन के अंदर, प्रश्न के अंदर आपसे केवल और केवल स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट से पूछा गया है, या जो लघु जल विद्युत परियोजना है उनमें से हमें 2022 तक जो अचीव करना है वो पूछा गया है। तो अभी आपने इस चार्ट के अंदर देखा कि जो स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं उनके थ्रू, स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के थ्रू जो पूछा गया है वो है 5 गीगावाट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 5 गीगावाट। ये आपको याद करके जाना होगा एग्जामिनेशन के अंदर। इस टाइप के
कई क्वेश्चंस कई एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं कि जो भी हमने 2022 तक टारगेट रखा है अलग अलग चार सेक्टरों में से उनका वैल्यू कितना है। तो इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का सही आंसर है 5 गीगावाट। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम देखें तो फिफ्थ क्वेश्चन भी फोर्थ क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। इसमें भी यही पूछा गया है कि इंडिया गवर्नमेंट टारगेट्स ऑफ प्रोड्यूसिंग पावर फ्रॉम बायोमास बाय द ईयर 2022 एस। इसमें अब बायोमास से पूछा गया है, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए है 50 गीगावाट, ऑप्शन नंबर बी है 25 गीगावाट, ऑप्शन नंबर सी है 15 गीगावाट, ऑप्शन नंबर डी है 10 गीगावाट। वर्ष 2022 तक बायोमास से बिजली उत्पादन का भारत सरकार का लक्ष्य क्या है? एक बार हम फिर से देखते हैं, प्रश्न क्या है? वर्ष 2022 तक बायोमास से बिजली उत्पादन का भारत सरकार का लक्ष्य, पहला ऑप्शन है 50 गीगावाट, दूसरा ऑप्शन है 25 गीगावाट, तीसरा ऑप्शन है 15 गीगावाट और चौथा ऑप्शन है 10 गीगावाट। तो अगेन अगर हम उस चार्ट को देखें तो जो बायोमास है उसके अंतर्गत तीसरे नंबर पे ज्यादा है, दैट इज 10 गीगावाट। 10 गीगावाट हमें केवल और केवल बायो मास से प्रोड्यूस करना है वर्ष 2022 या ईयर 2022 तक थ्रू एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट। सो इसके अंतर्गत जो सही ऑप्शन है वो है आपका 10 गीगावाट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है 10 गीगावाट। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।